नमस्कार, डीडी अरुण प्रभा के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। भारत की आज़ादी के 75 साल पूरे होने के मौके पर पूरा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। ऐसे में आज हमारे साथ मौजूद हैं खास मेहमान भारतीय सेना के रिटायर्ड ब्रिगेडियर और अरुणाचल प्रदेश के मौजूदा राज्यपाल डॉक्टर बीडी मिश्रा। डॉक्टर बीडी मिश्रा एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने 9 साल की उम्र में भारत का पहला स्वतंत्रता दिवस समारोह देखा, उसके साक्षी बने। इसके अलावा उन्होंने अपनी युवावस्था में भारतीय सेना में कार्यरत रहते हुए 1962 का भारत चीन युद्ध लड़ा, 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भी अपना योगदान किया और फिर 1971 में बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में भी भारतीय सैनिक के तौर पर हिस्सा लिया। इतना ही नहीं, नॉर्थ ईस्ट में डॉक्टर मिश्रा ने एंटी इंसर्जेंसी ऑपरेशन को भी लीड किया और श्रीलंका में इंडियन पीस कीपिंग फोर्स के कमांडर भी रहे। तो आज इन्हीं सारे पहलुओं पर चर्चा के लिए और कैसे स्वतंत्रता से लेकर अब तक का सफ़र रहा है डॉक्टर मिश्रा का, आज हम इन्हीं सारे पहलुओं पर चर्चा करेंगे। तो आइए हम स्वागत करते हैं अपने मेहमान डॉक्टर बीडी मिश्रा का। नमस्कार सर, डीडी अरुण प्रभा के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। सर, 15 अगस्त 1947 को देश के जिन सौभाग्यशाली लोगों ने प्रथम स्वतंत्रता दिवस समारोह में हिस्सा लिया था, आप उनमें से एक हैं, तो आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आपका अनुभव कैसा था। ये तकरीबन 75 साल पहले की बात है जी। और इतना ये अहम मौका था कि आज भी पूरा सीन 15 अगस्त 1947 का मेरे मस्तिष्क पर इम्प्रिंट है। और मैं उस वक़्त 5वीं क्लास में पढ़ता था, घर से नज़दीक बाज़ार के पास प्राइमरी स्कूल होता था, उसी में पढ़ता था। और आज़ादी के पहले हमारे क्लास में पोस्टर टंग गए थे, हम स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, देवनागरी हमारी लिपि है, ऐसे ऐसे पोस्टर टंग गए थे। और हमारा गांव ग्रैंड ट्रंक रोड के किनारे है, गांव में सभी पढ़े लिखे लोग थे, अखबार आते थे, हमारे परिवार, हमारे पिताजी सभी पढ़े लिखे थे, तो सबको मालूम था कि आज़ादी आ रही है। तो आज़ादी के दिन मेरी माताजी ने मेरे लिए नए कपड़े सिलवाए थे, निकर हम लोग पहनते थे और हाफ शर्ट, और मेरी माताजी ने हमको पहनाया था। और वो कपड़ा पहन के हम लोग जब स्कूल में गया तो उस दिन प्रभात फेरी थी। बगल में कस्बा था, कस्बे में हम लोग प्रभात फेरी के लिए गए तो ब्लैक टॉप सड़क नहीं होती थी, कच्ची सड़कें होती थी, थोड़ी थोड़ी बारिश पड़ रही थी, बहुत हल्के। हम लोग पास जूते नहीं होते थे, सिर्फ हेडमास्टर साहब के पास जूता होता था, वही पहनते थे। मेरे पिताजी के पास भी जूता था, पैरों में थोड़ी थोड़ी सी मिट्टी लग गई। हाथ में हम लोगों ने कागज़ का तिरंगा झंडा बनाया था छोटा छोटा, और जो हम गीत गा रहे थे वो गीत था विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊँचा रहे हमारा। वो हम लोग प्रभात फेरी करके आए, तो वापस आए जब स्कूल में तो बाज़ार के जितने हलवाई थे बड़े बड़े बर्तनों में मिठाइयाँ लेके आए थे। उस वक़्त कागज़ की प्लेट नहीं होती थी, तो पत्तों के दोने बनाए थे, उसमें 5-5 मिठाइयाँ हम लोगों को दी। बड़ा खुशी का माहौल था। और जो भावना थी वो भावना ये थी कि हम किसी एक स्वर्णिम युग में जा रहे हैं, कल्पनाएं थी, बड़ा विश्वास था। और वो माहौल मैं समझता हूँ कि उसके बाद देखने को मिला नहीं। बड़ी खुशी हुई, हमको गर्व भी हुआ, यह भी हुआ कि बड़ा अच्छा है, अब हम स्वतंत्र हो गए।
अगर मैं दो शब्दों में कहना चाहूँ तो कहूँ कि अद्भुत वातावरण था जी। सर, हमारा अगला सवाल है कि आपने छोटी सी उम्र से ही और अब तक ये 75 साल जो हुए हैं आज़ादी के, तो आपने आज़ादी के शुरुआती सालों का प्रशासन देखा और आज़ादी के बाद का जो प्रशासन है, आज की तारीख में जो प्रशासन है, आपको क्या लगता है, जब तुलना करते हैं तो कैसा पाते हैं आज के प्रशासन को उस समय के प्रशासन की तुलना में? देखिए, जो हमारा स्कूल था वो स्कूल कस्बे के पहले था और हमारे गांव और हमारे स्कूल के बीच में ब्रिटिश आर्मी का कैंपिंग ग्राउंड था और हम लोग उसी के बगल से जाते थे स्कूल में और कई साल से जा रहे थे। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब कंक्लूड हो रही थी 1945 में, तो ब्रिटिश ट्रुप्स का मूवमेंट होता था, ग्रैंड ट्रंक रोड था। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि उस वक़्त अंग्रेज़ों के हुकूमत का क्या वातावरण था। तो जब वहाँ पर आर्मी, ब्रिटिश आर्मी रुकती थी तो कैंपिंग ग्राउंड में कहीं वो टेंट लग जाते थे और वहाँ पर जो बैंड प्ले करता था तो हम लोग दूर से बैंड की आवाज़ सुनते थे, बड़े मिलोडियस ट्यून, पाइप्स, ड्रम्स, और हम छोटे बच्चे भयभीत हो के बहुत दूर रहते थे और कहते ये थे कि उधर जाओगे तो अंग्रेज गोली मार देगा। वातावरण पूरा गुलामी का था, जो ब्रिटिश हुकूमत का दबदबा था और ब्रिटिश हुकूमत का जो एक एरोगेंस था, उनका एक जो दबाने का एक कार्यक्रम था, बच्चों बच्चों तक पहुंच गया था। और जो ब्रिटिश हुकूमत के कर्मचारी थे वो रिप्रेशन उनका फर्स्ट अटेम्प्ट होता था, तो वो माहौल बहुत ही अलग था। लेकिन जो ही इंडिपेंडेंस हुई और इंडिपेंडेंस के बाद 47 में हम लोग इंडिपेंडेंट हुए, 51 में इलेक्शन शुरू हुए एंड में। तो जब इलेक्शन शुरू हुए, रियल डेमोक्रेसी, तो आपको शायद विश्वास न हो कि पहला जब इलेक्शन हुआ तो मैं फिर 10वीं में पहुंच गया था, 52 में, बालिग नहीं था, वोट देने का नहीं था, लेकिन मैं अपने गांव के अपने लोगों के साथ, हमारे सीनियर थे उनके साथ, देखने गया कि भाई क्या होता है। तो पोलिंग बूथ पर कोई सिपाही नहीं था, कोई गन लेके नहीं खड़ा था, और जितने वोटर वहाँ आ रहे थे सब बड़ी अच्छी पोशाक पहने थे, ड्रम बजा रहे थे, बाजा बजा रहे थे, गीत औरतें गाती आ रही थी, भारत का झंडा लहराते आ रहे थे, और ऐसा लग रहा था कि किसी तीर्थ स्थान पर जा रहे हैं। और वहाँ पर कुछ टीचर थे, वो मैनेज कर रहे थे, सब लोग पंक्ति में खड़े थे, लंबी पंक्ति थी, कोई आदमी पंक्ति नहीं तोड़ रहा था। और बैलेट बॉक्स पर गए तो जैसे देवी के धाम में जाते हैं वैसा, वोट डाले और चले आए। पहले वोट डालना होता था, पेपर होते थे, सबके बॉक्स होते थे अलग अलग, तो वहाँ डाल के चले आए। तो यह जो एक ट्रांजिशन था, अब आप यह सोचिए कि पहले हम कैंपिंग ग्राउंड पर बैंड सुनने के लिए नहीं जा सकते थे, यहाँ पर पार्टिसिपेशन है डेमोक्रेसी में और हर आदमी वहाँ तालियाँ बजा रहा है, गाना गा रहा है। तो ये एक इमीडिएट जो ट्रांजिशन था टुवर्ड्स डेमोक्रेसी, वो बड़ा अच्छा तजुर्बा था। और सबको ये उम्मीद थी कि हमारे जितने प्रतिनिधि चुने जा रहे हैं, ये प्रतिनिधि जाके हमारे लिए काम करेंगे। तो ये एक परिवर्तन, ये मैंने बड़े उत्सुकता से देखा था जी, अभी भी याद है। सर, हमारे दर्शक आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में जानना चाहेंगे और यह भी जानना चाहेंगे कि बनारस के तत्कालीन महाराजा के साथ आप लोगों के कैसे संबंध थे।
जैसा मैंने बताया, कॉन्वेंट नहीं होता था, कुछ पता नहीं था, प्राइमरी स्कूल में एडमिशन हो जाता था। लेकिन मेरे दो बड़े भाई थे, मेरे पिताजी पढ़े लिखे थे, उनके पिताजी भी पढ़े लिखे थे। एक्चुअली हमारे ग्रैंडफादर वो फर्स्ट अपने एरिया में थे, जो कि बनारस से गुरुकुल में 6 साल पढ़ के आए थे, फिर मेरे पिताजी पढ़े, तो पढ़ाई का माहौल था। तो जब मेरा एडमिशन होना था 1944 में, मैं 5 साल में था, 5 पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था, 2-3 महीने बाकी थे, स्कूल खुल गए जुलाई में। और मेरी माताजी बहुत स्ट्रिक्ट थी कि बच्चे को स्कूल जाना चाहिए, 5 साल क्रॉस नहीं हो। तो उन्होंने मेरे पिताजी से कहा कि इसको ले जाओ, दाखिला करो। तो मेरा कज़िन, वो हमसे 1.5 साल बड़ा था, उसका भी दाखिला तब तक नहीं हुआ था स्कूल में, तो मेरे पिताजी लेके गए। तो जब हम प्राइमरी स्कूल पहुँचे, तो उस वक़्त 4 कमरे होते थे स्कूल में, तो वह 4 को 5 हो गया था, क्योंकि प्राइमरी 5 तक हो गया था ऐसा, तो 5, 4, 3, 2 ये तो बिल्डिंग में रहते थे, और एक झोपड़ी थी उसमें 1 क्लास होता था, और उसमें प्रेप को अलिफ कहते थे और बे अलिफ बे दो होते थे। तो अलिफ में ही पहले अलिफ पहला लेटर है उर्दू का, तो अलिफ में एडमिशन होना था। तो जब श्री राम दुबे जी टीचर थे, अभी भी याद है, तो जब हमारे पिताजी गए, तो श्री राम दुबे जी ने देखा पंडित जगन्नाथ मिश्र आए हैं, तो खड़े हुए, पैर छुआ, क्या आदेश है, अपनी कुर्सी, एक कुर्सी होती थी, बाकी सब जमीन पर बैठे होते थे, वो मैट बिछा के। तो उन्होंने पिताजी से कहा बैठिए, तो बैठ गए। तो मैं और हमारे कजिन चेयर की आम पकड़ के एक इधर खड़ा हो गया, एक इधर। तो उन्होंने कहा कि इनका दाखिला करना है, तो उन्होंने अपना क्लास का रजिस्टर उठाया, बर्थ सर्टिफिकेट होते नहीं थे और न कोई पूछता था। तो पहले उन्होंने पूछा कि थोड़ा सा हमारा कजिन बड़ा था हमसे, बताइए पंडित जी इसका नाम। तो उन्होंने कहा ज्ञानदत्त मिश्र, सुपुत्र पंडित विश्वनाथ मिश्र, ये डेट ऑफ बर्थ। बोले किसका नाम, बालदत्त मिश्र, हमारा लड़का है, डेट ऑफ बर्थ ये है। तो उन्होंने कहा पंडित जी इसका एडमिशन नहीं हो सकता है। बड़ा डिसअपॉइंटमेंट पिताजी को, क्योंकि मेरी माताजी बहुत स्ट्रिक्ट थी, पिताजी जाके वापस नहीं कर सकते थे कि एडमिशन नहीं हुआ। तो पिताजी ने हमको, हमारे बहुत गौर किया, तो उन्होंने कहा पंडित जी ऐसा है कि वो 20 जुलाई 1944 था, तो पंडित जी इसका डेट ऑफ बर्थ था 20 जुलाई 1939, लिख दीजिए। तो कहा लिख देंगे, तो हमारा एडमिट, तो हम 3 महीने हम उम्र में बड़े हो गए, और ये 3 महीने की हमारी बड़ी उम्र हमेशा तक चलती रही। लेकिन मैं बहुत ही पिताजी की दूरदर्शिता पर मैं बड़ा कायल हूँ, और उन्होंने एडमिशन दिया, नहीं तो हमारा 1 साल और भी वेस्ट होता। और थ्रू आउट हमारी जितनी जब तक एजुकेशन हुई, मेरे बड़े भाई की, उनसे मझले भाई की हमारी, पिताजी ने हम लोगों को बेस्ट फूड, बेस्ट ड्रेस, बेस्ट एजुकेशन, बेस्ट हॉस्टल, बेस्ट यूनिवर्सिटी पढ़ा। और ये उनकी दूरदर्शिता थी, और मैं समझता हूँ कि माता पिता वो अगर उसका कोई स्टैंडर्ड है निभाने का, तो मेरे पिताजी में और मेरे माताजी में 100% था जी। ऐसे हुआ, कॉलेज में चले गए, कॉलेज के बाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में गए, और जब हमारा रिजल्ट जिस दिन निकला, उसी दिन मेरा, मैं एकेडमी में चला गया, तो उसके बाद फौज में आ गया। सर, जब अब भारत आज़ाद हुआ था, तो उसके बाद बहुत सारी घटनाएं हमारे देश में हुई थी, तो
उस समय की घटनाओं की किस तरह की याद है आपको, कुछ अगर वाकया हमारे दर्शकों के साथ साझा करना चाहेंगे तो? मैं कुछ ऐड करना चाहता हूँ जी। स्वतंत्रता सेनानियों का जब जिक्र आता है तो कुछ ऐसे लोग थे उस वक्त जो देश के लिए कुर्बान थे। हमारे गांव के बगल थोड़ी दूर पर तकरीबन 10-12 किलोमीटर पर देवरी गांव है। हमारे पिताजी के मित्र थे ठाकुर अर्जुन सिंह, कलकत्ता में रहते थे। सेकेंड वर्ल्ड वार में उनका ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था, बड़े संपन्न थे, 12 ट्रक उनकी चलती थी। स्वतंत्रता के पहले कोई एक लॉर्ड आने वाले थे कलकत्ता, तो यह तय हुआ कि उनको काला झंडा दिखाया जाएगा। तो अर्जुन सिंह ने वॉलंटियर किया और लंबे चौड़े हट्टे कट्टे गोरांग, और वो कुली का ड्रेस पहने, और कुली का ड्रेस पहन के जहाँ पर उनकी स्पेशल ट्रेन आके रुकने वाली थी लॉर्ड की, वहाँ पर सिलेक्टेड कुली में वो शामिल हो गए, क्योंकि रेलवे के कर्मचारियों ने भी उनकी पर्सनैलिटी देखा, अच्छा कुली है रेलवे। तो जब लॉर्ड निकले तो उन्होंने पॉकेट से काला झंडा निकाला और दिखाया, पुलिस टूट पड़ी, घसीटा, मारा, बेहोश हो गए, छोड़ दिया वहीं पर। लेकिन जब भारत स्वतंत्र हुआ और इलेक्शन होने लगे तो उनसे बहुत लोगों ने कहा, वो संपन्न थे, बड़ा नाम था, शोरबिन था। उन्होंने कहा, नहीं, मैंने देश के आज़ादी के लिए काम किया है और मैं देश की आज़ादी के लिए ही समर्पित था, ये दूसरे लोगों का काम है। तो कहने का मतलब ये है कि सेक्रीफाइसेस बहुत हुई है, बहुत त्याग हुआ है, और आज हमको, प्रेजेंट पीढ़ी को, आगे आने वाली पीढ़ी को इस त्याग का आदर करना चाहिए, याद करना चाहिए। हमारा एक संस्मरण और है, वो महाराजा विभूति नारायण सिंह का है, हमारे राजा हुआ करते थे, उनकी प्रजा थे जब तक स्टेट मर्ज नहीं हुआ था। बड़े बेनोविलेंट किंग थे, कॉलेज उन्होंने खुलवाए, डिग्री कॉलेज, इंटरमीडिएट कॉलेज, शिक्षा, बैंक। और जब मैं आर्मी में आ गया बहुत लेट, तो मेरा रिसर्च वर्क है फोर्ट्स एंड फोर्ट्सेस पर, तो मैंने उनको चिट्ठी लिखा कि रामनगर का आपका किला है, इसके बारे में आप बताइए, क्योंकि मैं इसका स्टूडेंट हूँ, मेरा इस पर रिसर्च वर्क चल रहा है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, आप कठौता के हमारे गांव का नाम लिया, मैं तो जानता हूँ आपके परिवार को, आप आइए, हमको भी नहीं पता हमारी हिस्ट्री के लिए की, तो आप लिखिए, हमको भी बताइए। बेनेवोलेंस, लगाव, मेरे ख्याल से बड़ा लकी हमारा स्टेट था बनारस स्टेट, कि हमको ऐसे लोग, हमारे किंग भी थे। ये स्मृति उस वक्त के टाइम की भी बहुत ही अच्छी है, क्योंकि राजाओं के, महाराजाओं के बारे में लोग तमाम तरीके की भावनाएं रखते हैं, लेकिन हमारे स्टेट के जो राजा थे वो इससे थे। सर, आपने अब तक जब भारत आज़ाद हुआ था, उसके बाद जो आपका शुरुआती जीवन था, युवावस्था थी, उसमें आपने बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों से मुलाकात की होगी, उनके बारे में सुना होगा, जाना होगा, तो आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित किस स्वतंत्रता सेनानी ने किया? जिसके बारे में मैंने बताया, अर्जुन सिंह जी। अच्छा, उनकी मैंने आपको स्टोरी बताई, और मैं समझता हूँ कि ऐसे कई लोग और भी थे जी। और हमारे जो पहले MP हुए थे,
वो टीचर थे, वो भी जेल में गए थे, और जब उन्होंने इलेक्शन शुरू किया तो उनके पास टोटल 6 आने पैसे थे। 6 आने माने आजकल के तकरीबन 40 नए पैसे। और इलेक्शन लड़े, पॉपुलैरिटी इतनी थी कि वो जब इलेक्शन ख़त्म हुआ तो 6 आने उनके बचे रहे खर्च दे। बड़ा त्याग था। ऐसे कई लोग थे, और मैं समझता हूँ कि उन्हीं की देन है कि आज हम अपने देश पर गर्व करते हैं, खुली हवा में सांस ले रहे हैं। सर, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, और हमारे दर्शक को जानना भी चाहते होंगे कि आपने भारतीय सेना में 1962 का भारत चीन युद्ध, उसमें एक सैनिक के तौर पर योगदान किया, लड़ाई की चीन के साथ। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में हिस्सा लिया। 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में भी हिस्सा लिया। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट में एंटी इंसर्जेंसी ऑपरेशन को लीड किया, फिर श्रीलंका में लिट्टे के खिलाफ लड़ाई की। तो इन सबका अनुभव आपका कैसा रहा, सेना में अपने जीवन के दौरान का अनुभव बताएं। मैं आपको बताता हूँ, मेरे जो एल्डर दो ब्रदर थे, ब्रिलियंट थे पढ़ने में, तो एक तो प्रोफेसर हो गए, दूसरे सिविल सर्विस में चले गए। तो मेरे पिताजी की बड़ी मंशा थी कि हमारा एक लड़का फौज में जाए। चांस मिला, मैं फौज में गया। तो जब हमारी कमीशन की ट्रेनिंग ख़त्म हो रही थी तो हमारे यहाँ एक सिस्टम होता है, हमको चॉइस देना पड़ता है कि हम किस आर्म में जाएंगे। आप जानते होंगे इंडियन आर्मी में 3 तरीके की यूनिट्स हैं। एक तो जो एक्चुअल फाइट करते हैं, दूसरा जो उनको सपोर्ट करते हैं जैसे आर्टिलरी है, इंजीनियर है, सिग्नल है, और तीसरा जो उनको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो मैंने पिताजी को लिखा, तो पिताजी बहुत सुलझे हुए आदमी थे, उन्होंने कहा देखो जो लड़ाई वाली पलटन है उसमें जाना है। तो मैं इन्फेंट्री में गया, और जिस बटालियन में गया 18 मैड्रास में, बड़ी अच्छी पलटन, तो हमारी पूरी जो लड़ाई में हम शामिल हुए तो 62-65 हम पलटन के साथ थे। और जो सबसे बड़ी खुशी हमें है वो ये है कि हमारे सोल्जर्स जो भी मिशन मिला, हमको कोई ऐसा नहीं लगा कि ये थोड़ा सा भी पीछे है। सब साथ मिशन और सुप्रीम सेक्रीफाइस के लिए हर मोमेंट तैयार है, हर मोमेंट। 71 में मुझे दूसरा रोल मिल गया था, ये मुक्ति वाहिनी के साथ। मैं पलटन जाना चाहता था, लेकिन 71 में जो तैयारी थी इंडियन आर्मी की वो बहुत अच्छी थी। तो जब मेरी पोस्टिंग आई 1-1 काम जोन एरिया में, हमको जाना था सिविल अफेयर्स मुक्ति वाहिनी के साथ। तो जब मैंने कर्नल ऑफ द रेजिमेंट से कहा कि हमको पलटन भेजो, पलटन लड़ाई में जा रही तो हम पलटन के साथ जाएंगे, कहा नहीं, जो हुक्म मिला है वो करो। और उसके बाद जब मैं काउंटर इंसर्जेंसी में था, डिफ़िकल्ट सिचुएशन होती है, काउंटर इंसर्जेंसी में जो सबसे बड़ी बात थी वो ये थी कि हमारे ट्रुप्स ने कभी इनडिसिप्लिन कोई नहीं हुई। काउंटर इंसर्जेंसी में तमाम ऐसे मौके आते हैं जहां पर ट्रुप्स का इतना क्लोज कांटेक्ट हो जाता है सिविल पॉपुलेशन से और सिविल इस्टेब्लिशमेंट से, लेकिन हमारे पलटन में कोई इनडिसिप्लिन नहीं हुई। और जब मैं श्रीलंका गया तो मैं लीडिंग ब्रिगेड कमांडर था, और मैंने हमेशा यही अपना उसूल बनाया था कि लड़ाई में ट्रुप्स को लीड करना है तो आगे से, पीछे से उनको पुश नहीं करना है। और एज ब्रिगेड कमांडर भी मैंने वही उसूल फॉलो किया। वहाँ पर जो
ये डिसीशन था वो तो गवर्नमेंट का था कि श्रीलंका में इंडियन पीस कीपिंग फोर्स भेजी जाए, तो वहाँ पर पहले इंडियन पीस कीपिंग फोर्स भेजी गई थी जो तमिल्स हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए, और तमिल्स के प्रोटेक्शन के लिए जो उनके खुद के होम ग्रोन उनकी एक कार्डर था उनका LTT, उनके साथ शुरू में बड़ा अच्छा, लेकिन फिर कुछ ऐसा एग्रीमेंट जो इंडो श्रीलंका का था उसके तहत सरकार ने, उस वक्त की सरकार ने डिसीशन लिया, तो उन्हीं के साथ फाइट शुरू हो गई। लेकिन वो जो एक चेंज ओवर था उसमें भी मुझे बड़ा सपोर्ट मिला, मेरे फॉर्मेशन का बड़ा अच्छा काम किया, और मैं समझता हूँ कि जो हमारी ब्रिगेड ने काम किया वहाँ पर बड़ा सराहनीय है। हमारी कैजुअलिटीज़ बहुत हो गई क्योंकि गरिल्ला वारफेयर में ऐसी होती हैं, हमारे डिप्टी कमांडर की APC जो आर्मर्ड करियर है वो ब्लास्ट हो गई, उसमें 8 लोग थे। ओवरऑल मैं ये समझता हूँ कि अपने को लकी समझता हूँ कि देश के लिए, देश के आदेश पर जो भी हमको काम मिला शायद प्रोविडेंस का मदद था, गाइडेंस था, हम उसको अच्छी तरीके से निभा पाए। तो आज मैं अपने को एज ए सोल्जर ऑल्सो बहुत ही सेटिस्फाइड समझता हूँ, देखता हूँ, और हमको ये देशभक्ति के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए, राष्ट्र के हित के लिए ये मौके मिले, इसके लिए मैं ईश्वर का शुक्रगुजार हूँ। सर, आपने एक बार और उदाहरण पेश किया था, जब कारगिल युद्ध हुआ था तो आपने वॉलंटियर किया था कि आप मोर्चे पर जाना चाहते हैं दुश्मन देश से लड़ाई करने के लिए, उस अनुभव के बारे में बताएं। ऐसा हुआ कि मैं रिटायर हो गया था और कारगिल का वार हुआ और परफिडस वार था, जनरल मुशर्रफ थे, वाजपेयी जी गए थे नवाज शरीफ जी से मिलने बस में बैठ के बाघा बॉर्डर से, और मुशर्रफ ने यह प्लान कर दिया। तो हालांकि मैं रिटायर्ड था लेकिन पूरी एनर्जी थी, ईश्वर की कृपा से सब शक्ति थी, तो मैं जाना चाहता था फौज में, लड़ाई पर जाना चाहता था कारगिल, तो कैसे जाएं। तो मैं गया जॉर्ज फर्नांडिस साहब डिफेंस मिनिस्टर से उनसे मिलने, और उनका कहीं लेक्चर था, लेक्चर के बाद जब आए तो मैंने कहा कि मैं स्वयं सो हूँ, लड़ाई हो रही है और मैं जाना चाहता हूँ, और मैंने कहा कि ये मेरी एप्लीकेशन है और ये इंडेमनिटी बॉन्ड है, मेरी वाइफ ने साइन किया है कि कोई क्लेम नहीं होगा, हम अपनी मर्जी से जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा भाई ठीक है, मैं देखता हूँ। तो उन्होंने वो पेपर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को दे दिया। फिर मैंने सोचा कि शायद काम न बने, मैं न जा पाऊँ वार में, कुछ और करना चाहिए। तो ब्रजेश मिश्रा जी सिक्योरिटी एडवाइज़र होते थे, तो मैं ब्रजेश मिश्रा जी के पास गया, मैंने कहा मिश्रा जी आप सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, आप हमको लड़ाई पर भेजो। कहा ऐसे थोड़ा ना होता है, आके तुम उसे बता रहे हो कि लड़ाई पर, नहीं नहीं एप्लीकेशन लाया हूँ। तो फिर मैंने वही एप्लीकेशन इंडेमनिटी बॉन्ड उनको दिया। तो उन्होंने कहा कि मैं बताता हूँ, मैं चीफ को रिंग किया। तो खैर जो भी हुआ हो, तो मुझे चिट्ठी आई चीफ साहब के ऑफिस से, वो चिट्ठी ने हमको बहुत खुश किया, हालांकि मुझे मौका नहीं मिला क्योंकि फौज वालों ने कहा कि नहीं भाई, उन्होंने कहा कि देखो तुम्हारी रिजर्व लायबिलिटी नहीं है और जिसकी रिजर्व लायबिलिटी है उसको हम नहीं ले सकते हैं, न तो उसको हम इनरोल कर सकते हैं और न तो हम उसको टार दे सकते हैं, तो सॉरी वी कैन नॉट सेंड यू टू वॉर,
लेकिन उन्होंने जो एक लाइन लिखी वो बड़ी अच्छी थी। उन्होंने कहा कि आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि हमारी आर्मी उसी तरीके से स्ट्रांग है जब आपने इसको छोड़ा था, और हम युद्ध में जरूर विजयी होंगे। ये उनका अश्योरेंस था। मैं मिस कर गया वार, लेकिन भारत के सेनानियों ने लास्ट मैन पाकिस्तानियों को या तो मार दिया या तो भगा दिया जी। कारगिल पर विजय हुई। सर, आपने आज़ाद भारत के 75 साल देखे हैं, तो आप हमारे युवाओं को, अरुणाचल के युवाओं को, पूरे देश के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे ताकि वो इस आज़ादी का मूल्य, इसकी कीमत समझ पाएं? देखिए, किसी भी देश में किसी भी व्यक्ति के लिए अगर एक जुनून बहुत आवश्यक है और राष्ट्र प्रथम, यह सिर्फ विचार नहीं होना चाहिए, यह जुनून होना चाहिए। और यह जुनून हर पीढ़ी में होना चाहिए और हमारे आने वाली पीढ़ी में यह जरूर होना चाहिए। तो यह हमारा पहला संदेश है। दूसरा संदेश यह है कि हम सब चीज़ों को एक ऐसे पर्सपेक्टिव में देखें जहाँ पर देश का विकास यह अनवरत चलता रहे, और उसके लिए बहुत आवश्यक है कि हम समझें कि हमारी लीडरशिप क्या है। लकली आज के दिन में भारत की जो शीर्ष, भारत का शीर्ष नेतृत्व है माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी का, हर फील्ड में उनका जो एक आग्रह है, उनका एक जो उनकी पहल है वो बहुत अच्छी है। और मैं मिसाल देना चाहूँगा, पाकिस्तान पहले, पाकिस्तान की जब बात होती थी या चीन की बात होती थी तो हमारे नेतृत्व ये बड़े शेकी हो जाते थे, और इनको ये होता था कि पता नहीं पाकिस्तान क्या कर देगा, चीन क्या कर देगा। अभी माहौल यह है कि पाकिस्तान के पार्लियामेंट में यह डिस्कशन होता है, मोदी उसी तरीके से अटैक करेगा जैसे बालाकोट पर किया था। जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी और बालाकोट पर जो स्ट्राइक हुई थी, कोई कल्पना नहीं कर सकता था भारत में जो मोदी जी ने किया। डोकलाम में चीन के खिलाफ जो स्टैंड लिया था, और जो गलवान वैली में हम लोग टिके रहे और हमारे सोल्जर्स हर तरीके से मारते हुए अपने सेक्रीफाइस दिया, तो वो बड़ी अद्भुत बात है। यह लीडरशिप मैं समझता हूँ कि सदियों में होता है एक बार। अब मैं गलवान वैली का, मैं डोकलाम का बताता हूँ। जब डोकलाम का स्टैंड ऑफ चल रहा था तो हमारे गांव का एक सोल्जर है, ग्रेनेडियर में है, उससे कभी कभी बात होती थी। तो सत्यपाल उसका नाम है, नायक। तो एक दिन मैं बात कर रहा था उससे, तो मैंने कहा तू कहाँ है सत्यपाल? कहता है चाचा मैं बेस में आया हूँ। तो मुझे थोड़ा सा गुस्सा आई, मैंने कहा लड़ाई हो रही है, फ्रंट में नहीं है, बेस में क्यों है? कहता है सामान ले जा रहा हूँ मोर्चे पर, एमनिशन के लिए आया था। तो मैंने कहा हालात क्या है? कहता है चाचा अगर कहीं शक है तो हम 2 इंची उस तरफ हैं, 2 इंची इधर नहीं है, और यही हमको आदेश है। तो ये जो लीडरशिप की बात है, ये हमको एक्नॉलेज करना पड़ेगा, और हमको ये सोचना पड़ेगा हमारे युवा पीढ़ी को कि नेशन पहला आता है, नेशन की सिक्योरिटी पहली आती है, नेशन की यूनिटी और इंटीग्रिटी पहली आती है। अगर यह हमारा सिद्धांत होगा तो हम जरूर आगे बढ़ेंगे। पूरा विश्व इस वक्त
कोरोना की बीमारी से पीड़ित हैं। हमारा देश, पॉपुलेशन हमारी इतनी बड़ी है और हमको तमाम हमारी ये जो बीमारी हर जगह फैल गई हर स्टेट में, इसमें जो एक बहुत बड़ा नेतृत्व का काम है वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। चाहे वो वैक्सीन का बनाना हो, चाहे डीएम से एसपी से बात करना हो, चाहे मुख्यमंत्रियों से सलाह मशविरा करना हो, चाहे ऑक्सीजन की के प्लांट को बनाना हो, ऑक्सीजन की गाड़ियां भेजनी हो, रेलवे की गाड़ियां चलानी हो, रेलवे को कन्वर्ट करना हो हॉस्पिटल में, या विदेशों से कोई मदद मंगानी हो, इन सब में 24 घंटे में 23 घंटे 59 मिनट उन्होंने अपना दिया। आज के दिन में माहौल यह है, मैं सबकी तरह मैं भी कई बार विदेश गया, भले जाता रहता था। अब यह हाल है कि अगर आप किसी यूरोपियन कंट्री में जाएं और आपसे पूछे कि विच कंट्री आर यू फ्रॉम, जब आप इंडिया कहते हैं तो कहता है इंडिया, पहले माहौल नहीं था। तो जरूरी है कि हर व्यक्ति देशभक्ति रखे, हर युवा देशभक्ति रखे, हर युवा एक ही बात याद रखे कि अगर हमारा देश यूनाइटेड रहेगा, इंटीग्रेटेड रहेगा, सॉवरेन रहेगा, डेवलप करता रहेगा, तो हम भी डेवलप करेंगे। यह हमारा संदेश। आपने देखा कि हमारे राज्यपाल महोदय ने बताया कि आज़ादी की क्या कीमत है, इसे किस कीमत पे कितने बलिदानों के बाद हमने ये आज़ादी पाई है। तो राज्यपाल महोदय ने जो संदेश दिया है युवाओं को, उम्मीद है कि युवा अपने जीवन में उसे अपनाएंगे, उसे अंगीकार करेंगे। इसी के साथ आज हम विदा लेते हैं इस कार्यक्रम से। नमस्कार।